इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी 21 अरब रुपए जारी करें। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को हुक्म। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है। बिल ऐवान ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने की हिदायत नहीं दे सकती। अटॉर्नी जनरल का मौकिफ। अदालती फैसले पर अमल तो हर सूरत करना पड़ेगा। जजेस के रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामे में कहा विफाकी हुकूमत अखराजात के बाद भी असेंबली से मंजूरी ले सकती है। इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना को 18 अप्रैल को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नए और पुराने पाकिस्तान की बात छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए। मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तायुन करें। पाक फौज मुल्क की तरक्की और कामयाबी के सफर में भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती पर पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में इजहार ख्याल। सिपा सालार ने कहा दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनके मजीद मुनज़्ज़म होने की सूरत में सामने आया। दहशतगर्दी वापस क्यों आई और कौन लाया? खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए कहां इस्तेमाल हुए? वजीर आजम के कौमी सलामती पर पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में सवाल। बोले शहदा की कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ, मेहनत पिछले 4 साल में जाया कर दी गई। और शाहिदों ने पहले T20 में कीवीज का शिकार कर लिया। न्यूजीलैंड को 88 रन से शिकस्त। हारिस रऊफ की 4 विकेटें मैन ऑफ द मैच करार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप तो जानी, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम रमजान का समा। देखते रहिए समा।